हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजराती खमन ढोकले की रेसिपी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है और सुपर जूसी होती है। मैं आपको एकदम ट्रेडिशनल वे से बताना चाहती हूँ। आप चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं, बट उसमें इतना अच्छा फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको बेसन को मैरिनेट करना है। उसके लिए हमको लगेगा 1.5 कप बेसन, 2 टेबलस्पून रवा, 1 कप दही, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, थोड़ी सी हल्दी, बेकिंग सोडा जो मैंने एकदम थोड़ा सा लिया है। सबसे पहले हमको मैरिनेट करना है, जिसमें बेसन में दही डालेंगे। उसके बाद रवा डालना है, हल्दी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे थोड़ा सा 1 पिंच, और फिर सॉल्ट डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बैटर हमारा ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत पतला होना चाहिए, बस इसी तरह से होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी। अब हम इस बैटर को करीबन 8 से 9 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। ये देखिए, मेरा बेसन एकदम अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और उसमें बबल्स आ गए हैं। अब इस स्टेज पे हम अदरक डालेंगे 1 चम्मच, उसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और फिर अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए फिर से रख देंगे, करीबन 5 मिनट तक। अब एक फ्लैट बर्तन लेंगे, जिसमें तेल लगा के ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो ढोकले का स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक्चुअली नहीं है, इस वजह से मैं इसमें बनाऊंगी। अब बड़े से पैन में हम पानी डालेंगे और उसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे। याद रखिए, ये काम हमको मोल्ड में बैटर डालने से पहले करना है। अब हम बैटर में इनो का एक पैकेट डालेंगे और उसको जल्दी जल्दी चलाएंगे, और जो मोल्ड में मैंने तेल लगाया है उसमें इस बैटर को शिफ्ट कर देंगे और फिर पतीली के ऊपर रख देंगे और 15 से 20 मिनट तक उसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, मेरा बैटर एकदम अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन में हम तड़के की तैयारी करेंगे, जिसमें हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद राई डालेंगे, फिर 2 हरी मिर्चें डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। अब नमक डालेंगे थोड़ा सा और शक्कर डालेंगे 1/2 टीस्पून। मैं सिट्रिक एसिड भी डालूंगी, आप चाहें तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब 1/2 कप पानी डालेंगे और उसमें हरा धनिया मिला देंगे। हमारा ढोकला भी एकदम ठंडा हो चुका है, अब उसको एक प्लेट में खाली कर लेंगे। वाओ, बहुत अच्छा ढोकला बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। देखिए कितना स्पॉन्जी है। अब इसको हम धीरे धीरे कट कर लेंगे पीसेस में, और जो मैंने तड़का रेडी किया है उसको धीरे धीरे उसमें पानी इसमें मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, इतना टेस्टी बनके तैयार हुआ है कि मज़ा ही आ गया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।